तो देखें कितने मज़े हैं नहा रहा है। अभी एक बॉटल तकरीबन ख़त्म होने वाली है, दो बॉटल इसके ऊपर यूज़ करूँगा। तो ये देखें यार, इसे मैंने शावर कर दी है। चूज़ों के लिए यार वाइट चावल लेके आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा ये भूखे थे, सुबह का डाला हुआ था तकरीबन। तो इनकी मैं देखी हैं, ये देख रहे हैं आज तो पोट भी इनकी हाली लग रही है मुझे, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गए हुए हैं। इनको लगता अब फीड ला के डालनी पड़ेगी। ना जी ना, फीड नहीं मैं डालनी, घर के जितना भी राशन होगा वही इनको ला के डालना है। अभी तो चावल डालने हैं और देखता हूँ घर में क्या नीचे है, वो ला के इनको फिर डालता हूँ। तो माशाल्लाह ये वाला चूज़ा देखें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गया हुआ है, और ये देखें ये भी काफ़ी ज़्यादा। बस इसका मुझे यार डाउट है, ये पता नहीं क्या कमज़ोर पता नहीं क्यों, लेकिन पोर तो माशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी हुई है, इसने सबसे ज़्यादा खाया हुआ है। तो ये कहीं मुर्गी तो नहीं है, छोटी रह गई हुई है, बाकी तो सारे अपनी जगह ठीक हैं। मुर्गी मेरी अंदर जाना चाहती है, लेकिन इसको मैंने अंदर नहीं जाने देना, इसको मैंने बाहर निकाला हुआ है, इसका काप को मैंने बंद किया हुआ है। ये चाहती है कि अंदर जाऊँ और मैं अपने अंडों पर बैठ जाऊँ, अंडे तो इसके है ही नहीं है, कुड़कुई हुई है। आज इसको तकरीबन मेरे ख्याल से तीसरा हफ्ता है, यानी कि तकरीबन इसे 25 दिन हो गए हैं अभी तक ये कुड़के है। तो भाई लोगों यार इसका क्या करना है बताएं आप, यार आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे तो कोई इस बात पर एक्सपीरियंस नहीं है। तो यार पानी भी इनका ख़त्म हो गया, वह पानी भी डालते हैं अब इनको। आजकल यार ये पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, पानी का मसला है, पानी के लिए दूसरा बर्तन लेके आना पड़ेगा। तो मुर्गी अभी तक इधर है, कह रही है कि मैं बाहर जाना है, बहुत प्यासी थी, ये देखें कितनी प्यासी थी। तो पानी यार दिन में तकरीबन मुझे 7-8 बार चेंज करना पड़ता है अगर इस वाले बर्तन में हो। इनके लिए एक स्पेशल एक बर्तन लेके आना पड़ेगा, जो उनसे बाज़ारों से नहीं मिलते, उन्होंने बनाए होते हैं, पानी पी जाती है तो ऊपर से नीचे पानी आ जाता है, वो वाला लेके आऊँगा। इस चूज़े की तरफ देखें तो मैं पैरेट को वहाँ ऊपर बिठाया है, तो वहाँ तक चले गया ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? मेरे साथ मेरे यागो आ गया, यानी कि ये पैरेट है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है यागो। तो नीचे यार धूप नहीं होती ना, इससे कोई आसमान नज़र आता है, थोड़ा बंद है, इसी वजह से मैं ऊपर ले गया हूँ। नहा भी लेगा, धूप भी है और अपने आप को सका भी लेगा। ऊपर आके थोड़ा सारी टेंशन लेने लग पड़ता है, मेरी चूज़ों से बहुत ज़्यादा डर है, सोच रहा है कि यार अजीब जी महलूक यहाँ आ गई है। तो अच्छा यार इस चीज़ से मैं इसे नहलाने लगा हूँ, आप एक बार याद रखना इसे कि पानी की बोतल या कोई मग होता है ना उसके साथ इसे कभी मत नहलाना, नहीं तो वो डर जाएगा भाग जाएगा। अच्छा यार मैं आपको नहला के इसको दिखाता हूँ, बहुत मज़े से नहाएगा देखना। इसको शावर करने लगा हूँ, देखना बहुत ही मज़े से नहाएगा, वैसे खुद भी बहुत मज़े से नहाता है, देखें नहा नहा, देखा कितने मस्त माहौल हो गए ना, सुकून ले रहा है। आजकल वैसे भी गर्मी है, जानवरों को इस तरह नहाना चाहिए। अब उठा के सीढ़ी पर ले आया हूँ, उधर यार वो मिट्टी मिट्टी थी तो पानी चीकड़ ना हो जाता वहाँ, इसी वजह से। तो देखें कितने मज़े हैं नहा रहा है, अभी एक बॉटल तकरीबन ख़त्म होने वाली है, दो बॉटल इसके ऊपर यूज़ करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितने मज़े से नहा रहा है। तो इसका रंग भी अच्छा निकलेगा, धूप भी अपने आप को सुखा लेगा यहाँ, इसी वजह से मैं ऊपर लेके आया हूँ। ये देखें यार इसे मैंने शावर कर दी है, तो अभी इतने मज़े से नहीं नहाया क्योंकि यार ऊपर आके ना ये बहुत ज़्यादा घबरा गया था, पता नहीं समझ रहा था, पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, कहीं मुझे किडनैप करके तो नहीं लेके जा रहे। तो इसी वजह से चूज़ों से भी डर रहा है। तो वैसे ये देखें क्या कर रहा है, अब इसे मैं थोड़ा सारा धूप में रखता हूँ ताकि अपने आप को खुश कर ले। तो देखें माशाल्लाह कितना प्यार ले कर रहा है, जब ये नहाता है ना उसके बाद अपना कलर कुछ ज़्यादा ही छोड़ देता है, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही प्यारा हो जाता है। तो माशाल्लाह यार ये मैंने बच्चा लेके क्या कहते हैं इसे फीड करवाई थी, तकरीबन ये 3 साल का होगा इस टाइम। चूज़ों की तरफ देखें यार, मैं ऊपर की तरफ क्या कहते हैं इसे पैरेट को नहला ला था, तो उसका पानी नीचे गिर रहा है, तो मस्त हो के नीचे पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, देखें मुझे लगता है इनको मज़ा आया है, वो क्या कहते हैं पानी गिर रहा है ना इधर, तो ठंडी ठंडी ज़मीन लगी है इनको, मुझे लगता है उसकी वजह से इनको मज़ा आया है, तो मज़े ले रही हैं यहाँ, चलो इंजॉय करें इंजॉय। अच्छा यार पैरेट ने ये देखें जितना अपने आप को खुश करना तो उसने कर लिया है। तो हाँ जी खुश हो गया आप, अब नीचे चलते हैं, तो जितना खुश करना होगा आपने कर लेना, ठीक है बिट्ठू यागो यागो। यार ये बोलता नहीं है, जब कैमरा में सामने करते हैं इसको पता चल जाता है। तो यार तो मुझे बिस्त करवा देता है, बोल तो सही अपने फ्रेंड के सामने, यार मुझे तो ये बिस्त करवा देता है, इसको नीचे लेके चलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताना, और यागो
अपने दोस्तों को बोलो यार सब्सक्राइब कर दो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।